अहम खबर है, मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज ने नून लीग सिंध की तंजीम में तब्दीलियों का फैसला कर लिया है। सूबाई सदर शाह मोहम्मद शाह और जनरल सेक्रेटरी मिफ्ता इस्माइल को हटाकर नए अहदेदारों को जिम्मेदारी दी जाएगी। इसी पर बात करेंगे नुमाइंदे खसूसी आसिम नसीर ने हमें ज्वाइन किया। आसिम, ये तो एक बहुत बड़ी चेंजिंग है, मुतबादल कौन कौन से नाम सामने आ रहे हैं और इसका रीजन क्या है? देखिए, मुतबादल के तौर पर तो इस वक्त जो बड़े नाम आ रहे हैं, लेकिन जराए अभी सवाल से क्योंकि उन नामों से हम भी रब्ता कर रहे हैं ताकि कंफर्म करते हुए नाम दें, लेकिन जिसमें अभी मेन डेवलपमेंट है वो मिफ्ता इस्माइल के हवाले से, जो कि पार्टी की गाइडलाइन से बिल्कुल हटकर जो है वो पार्टी की पॉलिसियों पर तनकीद कर रहे हैं उन्हें, और शाह मोहम्मद शाह को, इन्हें जो दोनों को सदर और जनरल सेक्रेटरी के ओहदों से हटाने का फैसला किया गया है। और इस हवाले से मुस्लिम लीग नून की जो सिंध की तंजीम साजी है उसे फौरी तौर पर मुकम्मल करने का टास्क मरियम नवाज को सौंपा गया है। जराए ने यह बताया कि मरियम नवाज की सीनियर रहनुमाओं के साथ एक अहम बैठक हुई और उस बैठक के अंदर उन्होंने कई सवाल उठाए और इस परफॉर्मेंस के ऊपर, खासतौर पर जो हालिया बल्दियाती इंतखाबात थे उसमें मायूस कुन कारकर्दगी और जितने भी जिम्मे इंतखाबात सिंध में हुए उनकी कारकर्दगी में उन्होंने सवाल उठाए। पार्टी से जो लोग छोड़ के गए उस पर मरियम नवाज ने सवाल उठाया कि उस मौके पर शाह मोहम्मद शाह और मिफ्ता इस्माइल की क्या परफॉर्मेंस थी। तो इस तरह मिफ्ता इस्माइल को, शाह मोहम्मद शाह को ओहदों से हटाकर अब दो नए लोगों को लाया जा रहा है जिनमें कहा जा रहा है परफॉर्मेंस को बेस बनाया गया। आसिम, आपका बेहद शुक्रिया।